हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वैदिक मैथ के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नए नए वीडियो और नए नए स्टडी मटेरियल मिलते रहे। तो आज हम अपने इस वीडियो में वैदिक मैथ के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। हम स्क्वायर कैसे निकाल स्क्वायर निकालना, वैसे तो आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम आसानी से कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन होता है वो केवल केवल नॉलेज का नहीं है, वो टाइमिंग का भी एग्जामिनेशन। आप कितना जल्दी एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर किसी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम उसे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 43 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप समझे ऐसे कि 43 में 4 ए है और 3 जो है वो है बी, तो आपको निकालना है ए बी का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ए बी का स्क्वायर, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को पीछे से लिखना स्टार्ट करें तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 43 का स्क्वायर निकालना है तो आपको लिखना क्या, बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको लिखना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद फिर 2ab, उसके बाद कौन, 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 12, मतलब 12, 12 × 2 24, 24 के 4 हाथ में आया 2। फिर आप लिखिएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 16 प्लस 2 18, 1849। हमारा 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1849। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम मान लिए इसको 4 और 3 को क्या मानेंगे, ए और बी का होल स्क्वायर की तरह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीछे की तरफ बी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab और फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, और जो जो यूनिट डिजिट होगा उसको हम प्लेस करेंगे, उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। हमारे पास कोई भी कैरी या कोई भी नंबर और नहीं है, केवल 9। फिर क्या आया, 2ab, तो 2ab में कितना जाएगा, 4 × 3 × 2, 4 × 3 12, 12 × 2 24। 24 में हमने प्लेस किया 4 को, 24 था ना, प्लेस किया कितना, 4 को, और कैरी लिया हमने 2 को। फिर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर होगा मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, और ये जो 2 कैरी था वो चला जाएगा इसमें, 16 प्लस 2 18, तो आंसर इज 1849। उसी तरह अगर हम दूसरा नंबर देखें, हमारा दूसरा नंबर है 89 का स्क्वायर, हमारा दूसरा नंबर है 89 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, 9 का। हम वही फिर से लिखेंगे यहाँ पे, पहले होगा 9 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 × 8 × 9 और फिर जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 1 कैरी हुआ 8, 9 × 8 × 9 × 2, 8 × 9 72 × 2 144, 144 के साथ 8 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 152, मतलब नीचे जाएगा 2 और कैरी जाएगा 15, और 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 प्लस 15 इज 79, तो मेरा आंसर हो गया 7921, आंसर इज 7921। आप किसी भी दो नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक और आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए अगर हमको निकालना हो नंबर 68 का होल स्क्वायर, 68 का होल स्क्वायर, तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, 8 का। फिर क्या होगा, 2 × 6 × 8 और फिर होगा हमारा 2 × 6 × 8 और फिर हमारा होगा 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64
यहाँ फोर प्लेस करेंगे, कैरी जाएगा सिक्स, ये कितना हो जाएगा, 8 × 6, 48 × 2, 48 × 2 96, 96 + 6 102, 2 प्लेस किए और कितना कैरी हुआ 10, और 6 का स्क्वायर 36 + 10 46, तो आंसर इज 4624, आंसर इज 4624। तो आप ऐसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब बात आता है कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मली आपका या तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना होता है या तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आपको या तो सिंप्लीफिकेशन में निकालना पड़ सकता है या फिर आप नॉर्मली उस अलग अलग चैप्टर्स में आप कहीं कहीं जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ता है, खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर में से, तो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर सीख गए, 3 डिजिट नंबर स्क्वायर सीखने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। आपको याद रखनी होगी 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, मिनिमम 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रखना होगा आपको। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फिलहाल रखें, और नहीं तो आप अपना कहीं पर इसका याद करने का तरीका क्या है, इसका एक बड़ा सा चार्ट बना लें पेपर में लिख के और दीवार पे लगा ले या कहीं पे भी लगा ले, ताकि जब भी नजर पड़े तो आप उसको देखते रहें। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और जो फौजी भाई ड्यूटी पे रहते हैं वो एक काम कर सकते हैं, इसे एक पेज में लिख करके आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं पॉकेट में, जब आपको फुर्सत मिले आप इसे देखते रहें। ठीक है, चलिए तो आपको लगना है 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो क्या, दूसरा जो चीज याद रखना है वो याद रखना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म बाई डिवाइडेड बाई एट, हमने प्लेटफॉर्म कैसे बनाया, 1 से लेकर 50 तक के लिए 50 प्लेटफॉर्म है, मतलब 1 से लेकर 50, 50 से लेकर 100, तो 50 का प्लेटफॉर्म को हम लेंगे तो वो हो जाएगा हाफ, और 100 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1, 150 का प्लेटफॉर्म वैल्यू मतलब बेस वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 150 × 100 मतलब 3/2। हमने क्या किया, 50 50 के गैप में एक एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक एक बेस बनाया है, और उस बेस का वैल्यू निकाला है उसको डिवाइडेड बाई 100 करके, तो 50 का बेस वैल्यू हो जाएगा 1/2, 100 का बेस वैल्यू हो जाएगा 1, 150 का 1, 3/2, ऐसे करके हमने बेस वैल्यू निकाला। सही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो आपको देखना है कि वो नंबर किसके नजदीक है। अगर हम बात करें 77 का, तो 77 को आप कंसिडर कर सकते हैं किसके नजदीक है, तो आप 50 से भी कर सकते हैं और 100 से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से 25 स्टेप मतलब 25 नंबर के बीच का ही दूरी फाइंड करें। मतलब अगर हम बात करें 50 से, तो 50 से 77 जो है वो 27 नंबर आ गया है, जबकि 100 से ये 23 नंबर पीछे है। तो हम यहाँ 100 से कंसिडर कर लेंगे इसको, 77 जो है वो 100 के नजदीक है, क्योंकि हमें 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर ही याद है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर ही याद है, तो आप किसी भी नंबर को बेस से चेक करने के लिए 25 से ज्यादा दूरी पर ना रखें। मतलब अगर आपका नंबर 79 है, तो अगर आप 50 से चेक कीजिए तो ये कितना आगे हो जाएगा, 29 नंबर आगे हो जाएगा, जबकि 100 के केस में ये 50 के बेस पे 29 नंबर आगे हो जाएगा, जबकि 100 के बेस पे ये 21 नंबर पीछे रहेगा। तो आप 79 को 100 के नजदीक लेंगे, बेस से किसी भी बेस से 25 कम और किसी भी बेस से 25 ज्यादा तक का ही नंबर आप इसके नजदीक कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ में बात,
सिंपल सा क्या याद रखना है हमें कि किसी भी बेस से ये 25 नंबर कम, सॉरी 25 नंबर कम और 25 नंबर ज्यादा के बीच के वैल्यू को ही हम उस नंबर के आसपास रखेंगे। मतलब 50 का नियरेस्ट वैल्यू आपका 25 से ज्यादा और 75 के कम, 75 या 75 से कम के बीच का रेंज जो होगा वो 50 का होगा। 75 से लेकर 125 का रेंज जो होगा वो 100 का होगा। उसी तरह 125 से लेकर के 125 से लेकर के 175 तक का रेंज 150 का होगा। 150 से आपने क्या किया, 25 कम तक गए और 150 से 25 ज्यादातर गए। 200 का अगर हम बात करें तो 200 से 25 कम मतलब 175 से लेकर 225 तक, ये किसके बीच में आएगा, ये किसका रेंज कहलाएगा, 200 का रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया रेंज कैसे लेना है, बेस वैल्यू कैसे लेना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 114 का स्क्वायर निकालिए। तो मेरा पहला सबसे स्टेप है कि ये किसके नजदीक है, किस वैल्यू के, किस बेस के नजदीक है। तो ये हमारा जो है 114 का स्क्वायर में ये जो है वो 100 के नजदीक है। दूसरा सवाल, पहला आपने सवाल किया कि 114 किससे नजदीक है, तो 100 के नजदीक है। कितना, 14। 114 इज 14 मोर देन 100। 114 इज 14 मोर देन 100। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो यहाँ प्लेस करेंगे 96 को, यहाँ पे हम दो डिजिट तक प्लेस कर सकते हैं, एक यूनिट डिजिट और एक टेंथ डिजिट मतलब। ठीक है, तो 196 में हमने प्लेस किया 96 को, और 1 को हम कैरी रखेंगे, 1 को क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे। उसके बाद जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो। तो कितना ज्यादा है ये, 114 से ये 14 ज्यादा है, तो 114 प्लस 14, ठीक है, 114 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें तो हमारा पहला स्टेप है कि आप क्या कीजिएगा, 14 का स्क्वायर निकालिएगा जो कि होगा 196, आप प्लेस कीजिएगा 96। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि 114 प्लस जितना ज्यादा तो ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 128। और 128 को इसका बेस वैल्यू, इसका 114 का बेस वैल्यू कितना है, तो 114 का बेस वैल्यू जो होगा वो किसके नजदीक है, ये 100 के नजदीक है, तो इसका बेस वैल्यू है इंटू 1। तो 120 इंटू 128 इंटू 1 इज 128, और यहाँ से कैरी था 1 तो ये कैरी 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 129। तो मेरा आंसर हो गया 12996। ठीक है, फिर से एक बार हम देखें। सबसे पहला काम क्या है हमारा, 114 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले चेक करें कि ये बेस से कितना ज्यादा या कम है। तो ये कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो सबसे पहले ज्यादा है इसलिए हम इसको ऐड करें, इसको हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 14 का स्क्वायर होगा 196। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप बोला है कि जितना ज्यादा है उसको उसी नंबर में ऐड कर दो। यह नंबर कितना है, 114, तो 114 प्लस 14 इज 128। उसके बाद उसके बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो इसका बेस वैल्यू क्या है, 114 तो जो है वो 100 के नजदीक है, इसलिए इसका बेस वैल्यू है वो है 100 का बेस वैल्यू, और 100 का बेस वैल्यू है 1, तो 128 इंटू 1 इज 128 इज 128। और ये जो कैरी बचा है वो है 1, तो ये प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो मेरा आंसर हो गया 129। और यह बचा 96, वो प्लेस कर देंगे 96। सही है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। तो 524 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये, किससे ज्यादा है ये, 500 से, कितना ज्यादा है ये, 24,
तो 500 से अगर ये 24 जाता है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। उसके बाद जितना ज्यादा है उसमें हम ऐड करेंगे 524 प्लस 24 इंटू 5 प्लस जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो 100 प्लेस था वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ये 76 प्लेस हो जाएगा और 5 जो है वो कैरी जाता था। इस कैरी को हम लाके इसमें जो भी सॉल्व ये जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें ये 5 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 524 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 548। 548 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, ये इंटू 5 तो 8 5 40 का 0 हाथ में, 4 5 के 20 के 4, 24 के 4 हाथ में 2, 25 2 27। ठीक है, और ये जो कैरी आया था वो 5 यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 0 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 576। आंसर इज 27456। ठीक है, अभी तक हम जितना स्क्वायर देख रहे थे वो बेस से ज्यादा था। अगर बेस से कम हो तो जैसे एक स्क्वायर लिया हमने 193 का होल स्क्वायर, तो 193 जो है वो 200 से 7 स्टेप पीछे है, ये 200 से 7 कम है। जैसे आप देखते हैं 193 का होल स्क्वायर निकालना हो तो आप पता कीजिए कि 193 जो है वो 200 से 7 कम है। तो सबसे पहला काम जितना कम है उसका स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अभी हमारे पास कैरी कुछ नहीं है, जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट होगा इस बार। 193 माइनस 7 इंटू बेस क्या है 2। हर बार क्या हो रहा था यहाँ पर, ऐड हो रहा था। इस केस में क्या हुआ था, 114 प्लस 14। इस केस में क्या हुआ था, 317 प्लस 17 इंटू बेस वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। यहां भी क्या हुआ था, 524 प्लस 24 इंटू बेस वैल्यू, साथ में जो इसका स्क्वायर निकलेगा 14 का स्क्वायर निकलेगा वो उसका 1 का कैरी फॉरवर्ड डाल देना, जो कैरी था 1 वो ऐड हो जाता था। ठीक है, तो यहां पे भी वही काम होगा, सेम सब कुछ, बस यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा केवल, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, यहाँ पर केवल सब्ट्रैक्ट होगा एडिशन की जगह। तो हो जाएगा आपका 193 माइनस 7 186। 186 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 18 दूनी 36 137। आंसर इज 37249। आंसर इज 37249। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग, वो है आपका 387 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखिए 387 का होल स्क्वायर ये किसके नजदीक है, 400, और 400 से क्या है, ज्यादा है या कम है, तो 400 से ये 13 स्टेप पीछे है। हमने बात किया था पिछले वहां पर क्या था, 400 का रेंज कहाँ तक है, तो 400 का रेंज 375 से लेकर 425 तक का है। तो ये 400 से 13 कम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितना कम है इतना सब्ट्रैक्ट होगा, 387 माइनस 13 इंटू बेस क्या लिया था इसका, आपने आपने इसका बेस दिया 400, तो इंटू 4, और जो 169 का कैरी है 100 प्लेस है, 100 प्लेस क्या है हमारा 1, 169 का 100 प्लेस क्या है 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आप निकाल लीजिए 387 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 387 माइनस 13 374 इंटू 4, तो 16 का 6 हाथ में 1, 17 का 28 का 28 29 के 9 हाथ में 2, 34 12 13 14 प्लस 1, ये 1 प्लस ये 1, तो हो जाएगा यहाँ पर ये 1497, और ये हो गया 69, तो 149769। ठीक है,
तो आप ऐसे किसी भी वैल्यू का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने। अगर आप नंबर लेते हैं 156 का होल स्क्वायर, 156 का सारा प्रोसेस सेम है, बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या। सबसे पहला काम कितना ज्यादा है ये, तो 156 जो है वो 150 के रेंज में आएगा, क्योंकि 150 का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 125 से लेकर 175 तक। तो ये 150 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अगर ये 6 ज्यादा है तो सबसे पहला काम 6 का स्क्वायर, उसके बाद जितना ज्यादा है उतना हम यहाँ पर ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, बस। तो हो गया 162, 162 डिवाइडेड बाय 2, 81 इंटू 3 इज 24336, 24336। अगला देखिए, अगर हम लोग तो अगर हम बात करें क्वेश्चन 134 का होल स्क्वायर का, तो 134 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 134 जो है वो किससे है, 150, 150 से कितना कम है, 16 कम है। देख रहे हो, ये 150 से 16 कम है। अगर तुम 100 से कंसिडर करोगे तो 100 से ये 34 ज्यादा है, जबकि 150 से 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है मेरा 256। उसके बाद जितना कम है उतना सब्ट्रैक्ट होगा, तो 134 माइनस 16 इंटू 3/2 प्लस जो कैरी फॉरवर्ड था इसका 100 प्लस, वो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 134 माइनस 16, आसानी के लिए आप इसको 20 से सब्ट्रैक्ट करें, तो 134 माइनस 10 इज 124, माइनस 10 इज 114, प्लस 4 118, डिवाइडेड बाय 2 इज 59 इंटू 3, तो 9 27 के साथ हाथ में 2 5 15 16 17, और ये प्लस 2 जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 17956, 17956। कैलकुलेशन आप एक बार खुद से कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रोसेस हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, बस यही करना है आपको। अगर नंबर ज्यादा होगा तो यहाँ पर ऐड करना है, अगर नंबर कम हो तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जिस बेस से आप चेक कर रहे हैं कि वो ज्यादा है या कम, उस बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी ज्यादा या कम का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे यहाँ 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर में आप केवल यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को लिखेंगे, और 100 प्लेस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले वाले इस वाले इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बाकी ये दो नंबर आप खुद से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, फायदेमंद होगा। आप इसे देखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और साथ में ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज्यादा था, जहां पर कि स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना बहुत ही जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट हो आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में हमें पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें पोस्ट कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। टाइम निकाल कर हम आपको रिप्लाई करेंगे, इसका वादा हम करते हैं आपसे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमें मोटिवेट कर सकें, हम आपके लिए नए नए वीडियो बना सकें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मंगलमय हो आपका।